नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीनियर खिलाड़ी मिताली राज से विवाद के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच रमेश पोवार की छुट्टी तय है। उनका करार शुक्रवार को खत्म हो गया। महिला T20 विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पोवार का करार बढ़ाए जाने की संभावना थी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने शुक्रवार को देश के पहलवानों के लिए करार प्रणाली की शुरुआत की। इसमें सितारा पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ पूजा ढांडा को सालाना 30 लाख रुपए की करार राशि वाले शीर्ष ए ग्रेड में शामिल किया गया है। अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 31 वर्षीय मुशफिकुर ने शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गावर को उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट का समर्थन करने से खेल के इस प्रारूप का भविष्य अच्छा है। T20 क्रिकेट शुरू होने के बाद टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता घटी है, जिसमें चकाचौंध भरी इंडियन प्रीमियर लीग जैसी लीग से क्रिकेट में खिलाड़ियों की अच्छी कमाई हो रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिछले करीब एक महीने से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। ऐसे में वह टेनिस में न सिर्फ अपना हाथ आजमा रहे हैं, बल्कि टूर्नामेंट भी जीत रहे हैं। जी हां, क्रिकेट, फुटबॉल और शूटिंग के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में लॉन टेनिस में अपने हाथ आजमाए। रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में धोनी ने जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।